राइटर कौन है जी? योगेंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, हाँ, इस कहानी को, इस लेख को ठीक से समझिएगा और पूरा समझाने के बाद और तब जाकर क्वेश्चन की मैं शुरुआत करूंगा। आपके सामने यह प्रश्न है भाई, ओ सादानी राम, यह चिपड़ा काव्य है जिसके राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसमें चंपारण के दुखों के बारे में, चंपारण के बारे में, चंपारण के इतिहास के बारे में, वहां के संस्कृति के बारे में अवगत कराया गया है। ओ सादा नीरा जो चिपड़ा का नाम रखा गया है, इसका नाम आप शायद जानते होंगे, जिसका दूसरा नाम है गंडक। गंडक का नाम सुने हैं? गंडक पहाड़ है, क्या है? नदी है। तो गंडक का ही जो नाम है उसका नाम है क्या? ओ सदा नीरा। चंपारण में एक ऐसा भी वक्त रहा, चंपारण में एक ऐसा वक्त रहा जब वहां बहुत संख्या में पेड़ पौधे और झाड़ियां थी, जंगल ही जंगल नजर आ रहे थे। वहां कोई बसने वाला नहीं था, ना कोई किसान था, ना जमींदार था, ना श्रमिक था, कोई भी प्रकार के व्यक्ति वहां पे नहीं थे। उस समय केवल जंगल ही जंगल था। एक समय की ऐसी भी हालात चंपारण की थी। समय बदलता गया और सुखभोगी लोग हैं, और सुखभोगियों ने अपने स्वार्थ के लिए वैसे ही जंगल को तोड़ दिया जैसे भारत पर आक्रमणकारियों ने कभी यहाँ के किसी धर्म विशेष के मूर्तियों को तोड़ दिया। ये बात किताबों में उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार से बाहर से आक्रांताओं ने किसी धर्म विशेष के मूर्तियों को तोड़ा, अर्थात मैं कह दूं हिंदुओं की मूर्तियों को जब बाहर के आक्रांताओं ने तोड़ा, किताब में जिक्र किया गया है, ठीक उसी प्रकार से उन्हीं टाइप के आक्रांताओं ने जो अपने स्वार्थ के लिए चंपारण के जो हरियाली थी, जो जंगल थे, उसको छत विछत कर दिया, नष्ट कर दिया, और उसको फायदा उन्हें उन लोगों को हुआ। जब जंगलों की कटाई हो गई, जब जंगल था उस समय, जब गंडक का जो बाढ़ आता था, जंगलों के जड़ें इतनी मजबूत हुआ करती थी कि उसी से टकराकर उसके प्रभाव जो है कम हो जाते थे। लेकिन जब जंगल ही नहीं रहे, जब बहुत सारे जंगल कट गए, झाड़ियां कट गई, वृक्ष कट गए, तो फिर गंडक से चलने वाला बाढ़ चंपारण के भीतर प्रवेश करने लगा और चारों तरफ से चंपारण बाढ़ से ग्रसित हो गया। और हम बताएं कि वहां पे जो कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग आए वहां पे, जैसे कर्नाट वंश की स्थापना चंपारण में किया गया। वहां बाहर से शासक आए और चंपारण में कर्नाट वंश के नींव रखा गया। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे लोग आना शुरू किए। हम बात करें पश्चिम भारत से, तो पश्चिम भारत के थारू जनजाति के लोग चंपारण आने लगे। थारू जनजाति राजस्थानी लोग होते हैं, थारू जनजाति के लोग राजस्थानी लोग होते हैं। तो पहले पश्चिमी भारत के लोग आने लगे, पश्चिम भारत के लोग। उसके बाद दक्षिण बिहार, जो झारखंड है, यहाँ के लोग आए, धांगर लोग आए। धांगर का अर्थ होता है भारे का मजदूर। धांगर का अर्थ क्या होता है? धांगर का अर्थ होता है भारे का मजदूर। और ये भारे के मजदूर को अंग्रेजों ने, इस कालखंड तब का मैं बता रहा हूं जब अंग्रेजों का शासन हो गया भारत पर, तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां बस्ती बसाने के लिए भारे के मजदूरों को लाना शुरू किया ताकि वहां खेती गृहस्थी करवाया जा सके। और इन्होंने दक्षिण बिहार, जो आज वर्तमान में झारखंड जिसको बोलते हैं, वो कभी दक्षिण बिहार हुआ करता था। वहां बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे मुंडा जनजाति, मुंडा सुने होंगे, मुंडा जनजाति, लोहार जनजाति, और उसी में उरांव जनजाति, और उरांव जनजाति के ही वंशज माने जाते हैं धांगर। धांगर कौन माने जाते हैं? उरांव जनजाति के ही वंशज माने जाते हैं, जिनको अंग्रेजों ने चंपारण में भारे के मजदूर के लिए लाया था। और इनका काम दिया गया कि अब नील की खेती इत्यादि खेतों में काम करने के लिए, गन्ना या नील की खेती, उसमें लोग सहयोग करें और श्रमिक की तरह काट करें। वही मैं बता दूं कि गया के भुइया एक जनजाति है, वहां से लाया गया चंपारण में लोगों को श्रमिक काज करवाने के लिए।
ये जनजाति का नाम है जिसको हम एसटी कहते हैं, एसटी जनजाति, आदिवासी जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं। तो गया में एक भुइया जनजाति है, भुइया जनजाति के लोगों को अंग्रेजों ने लाया क्यों, श्रमिक कार्य करवाने के लिए। भुइया जनजाति मूल रूप से आज उनको कहा जाता है मुसहर, उनको मुसहर जाति कहा जाता है। और मुसहर जनजाति का एक नाम बताइए जो आज देश के सत्ता में और बिहार के सत्ता में भागीदार है, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी उसी समाज के आते हैं, मुसहर जनजाति से आते हैं। और मुसहर जनजाति आया करता था कभी किसके, उराव, सॉरी उराव नहीं, भुइया, भुइया जनजाति, इन्हीं को हम मुसहर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आकर वहां बसने लगे और सबका संस्कृति क्या था, अलग अलग। अब कोई उराव जनजाति का है, कोई मुंडा जनजाति का है, कोई थारू जनजाति का है, अलग अलग। कोई जमींदार आया, पश्चिमी क्षेत्रों से जमींदार आए, पूर्वी बंगाल, जो बंगाल है, बंगाल की तरफ से किसान आने लगे, किसान आए। और आपका दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार की धरती से श्रमिक आने लगे। ये सब जब लोग यहाँ मिले, हर टाइप के लोग, तो उनकी संस्कृति अलग थी, उनकी भाषा अलग थी, उनका रहन सहन अलग था। लेकिन एक साथ रहते रहते एक वक्त आया जब सभी का एक साझा संस्कृति का निर्माण हुआ। और इस साझा संस्कृति का निर्माण होना ही क्रिमियाई प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिमियाई प्रक्रिया, क्रिमियाई प्रक्रिया इसी का नाम है। क्रिमियाई प्रक्रिया क्या है, तो जब चंपारण में अनेक अनेक प्रकार के, अनेक संस्कृति के, अनेक भाषा, अनेक रहन सहन के लोग आए, जैसे आपके दक्षिण बिहार से, दक्षिण बिहार से आने वाले लोगों में मुंडा, मुंडा, उसके बाद उराव ना, ये सब जब लोग, उराव, ये सब जब जनजाति के लोग आए, गया से भुइया जनजाति के लोग, राजस्थान से थारू जनजाति के लोग, आपके किसान भाई लोग आए कहाँ से, बंगाल से, ये सब लोग, कहीं से जमींदार आए, कहीं से ठेकेदार आए, अनेक जगह से अंग्रेजों ने यहाँ पर उन लोगों को बुलाया ताकि वहां कुछ काम हो सके खेती का। अब ऐसी स्थिति में उन सब का रहन सहन क्या था, अलग अलग। जैसे हम लोग अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग हो सकता है, हो सकता है कि हम लोग का आसपास में जो कल्चर हो, रहन सहन हो, वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब हम लोग एक साथ रहने लगेंगे, या फिर कोई क्लासरूम में आप वर्षों से रह रहे हैं, तो यहाँ एक ही संस्कृति हम लोग सब लोग अपनाएंगे, एक संस्कृति बन जाती है। आप दूसरों को भी बताते हैं, वहां जाइएगा ना तो इस तरीका का वहां होगा, तो एक संस्कृति नया बन जाएगी। उसी प्रकार जब अनेक जनजाति के लोग आए, अनेक प्रकार के लोग आए, तो उनकी संस्कृति और रहन सहन क्या था, अलग अलग। संस्कृति रहन सहन अलग होने के कारण अब जब वो एक साथ रहने लगे तो धीरे धीरे उनका एक कॉमन, एक जैसा संस्कृति उत्पन्न होने लगा। और जब एक जैसा संस्कृति बन गया तो इसी को कहते हैं क्रिमियाई प्रक्रिया, क्रिमियाई प्रक्रिया यही है। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब तो बसाने लगा, लेकिन समय आया 1917, नाम सुने होंगे, 1917 बहुत बड़ा क्रांति का शुरुआत, और चंपारण में गांधी जी का एंट्री, इस बात को हम लोग समझे। अब गांधी जी का एंट्री चंपारण में, यहां से इस कहानी की अब दूसरा शुरुआत होती है। देखो वहां जो था चंपारण में, वहां चंपारण के किसानों पर बड़ा अत्याचार होता था। वहां का तत्कालीन जो हम कहें अधिकारी, उसका नाम था एमन, एमन था वहां का अधिकारी का नाम था एमन। और एक घटना तब की है जब देश गुलाम था, 1917 की बात है, यहाँ पर किसानों पर खूब अत्याचार होता था। वहां के किसानों पर अत्याचार कैसे होता था, जरा समझिएगा, आपके किताब से ये लिया गया पॉइंट। तीन कठिया प्रणाली उन लोगों पर लागू होता था, आप सुने होंगे तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली का मतलब था कि अगर 20 कठा में अगर आप खेती कर रहे हैं तो 3 कठा पर नील की खेती आपको करना ही करना है, 20 कठा में 3 कठा में नील की खेती करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो दंडित किया जाता था, और अगर करोगे तो खेत खराब होता था। अगर नील का खेती करोगे तो आपका जमीन ऊसर हो जाएगा, और नहीं करोगे तो अंग्रेज आप पर अत्याचार करेंगे। और होता यह था कि अगर कोई किसान बीमार है, लाचार है, उपज नहीं हुआ, फिर भी उसे टैक्स लिया जाता था।
शादी विवाह में भी, शादी विवाह के अवसर पर भी उन लोगों से टैक्स लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। आपके घर में शादी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपने हाथी खरीदा है तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, माने हर चीज के लिए टैक्स। इतने परेशान लोग थे कि वहां दिन प्रतिदिन लोगों की स्थिति खराब होती जा रही थी। उसी में से गांव का लड़का राजकुमार शुक्ल निकलता है, एक क्रांतिकारी निकलता है, और वह जाता है और वह गांधी जी, सुने होंगे आप, ये गांधी जी से जब भेंट करता है कहां, लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहां जाने के बाद गांधी से समस्या कहता है। राजकुमार शुक्ल जब समस्या कहते हैं तो गांधी जी समस्याओं को गौर से सुनते हैं और आ जाते हैं चंपारण और शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने बहुत सारे काम किए, अंग्रेजों को झुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए, लेकिन अत्याचारी जो एमन था वो अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगा, लोगों के झोपड़ियों में आग लगवा देता था, जो झुकी झोपड़ियां होती थी उनमें आग लगवा देता था, यहां तक कि गांधी जी द्वारा बनाए गए झोपड़ी में भी आग लगवा देता था। तब गांधी जी ने समझा कि सिर्फ आंदोलन करने से यहां का रास्ता बदलने वाला नहीं, तब उन्होंने चंपारण में यह बात सोचा कि अगर हम लोगों को जागरूक बना दे, नए लड़कों को जागरूक बना दे, शिक्षित बना दे, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि लोग स्वयं अपने हक के लिए लड़े और इन पर अत्याचार नहीं। इसीलिए उन्होंने तीन स्थानों पर, चंपारण के तीन स्थानों पर उन्होंने एक आश्रम विद्यालय खोला, बरहरवा, सुंदरवा, उसके बाद भीतीहरवा, माने तीन आश्रम का नाम है, एक बरहरवा है, एक भीतीहरवा और एक क्या है, एक सुंदर, एक सुंदर करके होगा, माने तीन इन्होंने आश्रम खोला, और तीनों आश्रम में उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात के विद्वान व्यक्तियों को बुलाया, कहा के महाराष्ट्र और गुजरात के माने जो बड़े बड़े विद्वान थे उनको बुलाया गया, और उन्हीं में एक थे पुंडलिक जी। क्या थे, पुंडलिक जी नाम के एक व्यक्ति थे जो काफी विद्वान थे, जो महाराष्ट्र के खेल गांव से आते थे, महाराष्ट्र में एक गांव का नाम है खेल गांव, वहां से पुंडलिक जी आए और भीतीहरवा आश्रम जो गांधी जी द्वारा खोला गया विद्यालय था उसमें उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। वह बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, वो प्रयास करते थे कि वहां के लोगों को वह निर्भीक बनाए, निडर बनाए, साहसी बनाए, और अंग्रेजों के खिलाफ अत्याचार जो अंग्रेज करते थे उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें प्रेरित, और ऐसी शिक्षा चलने लगी। अंग्रेजों के काफी दबाव में भी यह ज्ञान चलता रहा और लोग धीरे धीरे शिक्षित और जागरूक होने लगे। गांधी जी ने बहुत सारे प्रयास किया, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, शिक्षा का अगर सही आदर्श माने तो चरित्र निर्माण और संस्कारवान बनना है। अगर विद्यार्थी को शिक्षा देना है तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल किताब पढ़ा दीजिए। गांधी जी ने स्वयं कहा इस बात को कि शिक्षा इस प्रकार का दीजिए कि लड़का चरित्रवान भी बने और संस्कारवान भी बने। अब ऐसा ना कि पढ़ाई लिखाई करे और जाकर बाबू जी से गाली गलौज करे, मारपीट दंगा करे, संस्कारवान होना चाहिए। शिक्षा का आदर्श है संस्कारवान और क्या, चरित्रवान बनना। उन्होंने कहा था कि जो पुराने तौर तरीका से जो शिक्षा दिए जा रहे हैं उनमें थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता है, और पुराने तौर तरीकों में केवल किताबी जानकारियां दी जा रही है, लेकिन अगर उसके साथ साथ बच्चों को औद्योगिक ज्ञान भी दिया जाए तो औद्योगिक ज्ञान के चलते निश्चित रूप से जो है वह बच्चे सफल होंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनका समस्या दूर होगा। हम बात कर रहे हैं कि चंपारण की धरती की, अगर बात करें तो चंपारण की धरती की पुरानी संस्कृति रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ गजग्रह की एक मिथक खिस्सा, मिथक खिस्सा का मतलब होता है झूठ नहीं, मिथक खिस्सा का मतलब होता है ऐसा किस्सा जो लोगों के द्वारा सुना, माने आदमी सुन रहा है लेकिन न तो उसे गलत करने के लिए प्रमाण है न उसको साबित करने के लिए कोई प्रमाण है। ऐसे किस्से, मिथक किस्सा क्या है, मिथक किस्सा का मतलब होता है एक ऐसा किस्सा जिसको प्रमाण, जिसको ना तो आप गलत साबित कर सकते हैं और ना ही आप उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जैसे कि गज ग्रह का किस्सा आप सुने होंगे कि गज ग्रह में गज माने हाथी, और श्रीमान नारायण का भक्त था, और वह जब
स्नान करने नदी में गया, गंगा की नदी, गंगा नदी में, वो आप सोनपुर के आसपास का किस्सा जानते होंगे, ये चंपारण से उस समय के इतिहासकारों ने चंपारण से जुड़कर इसे बताया। तो इन्होंने कहा कि चंपारण की धरती पर एक गज ग्रह की किस्सा भी काफी प्रचलित है, और गज श्रीमान नारायण का भक्त रहता है, और वह नदी में स्नान करने के लिए जाता है तो ग्रह मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है, उसके पैर को खींच रहा होता है, नीचे की ओर खींच रहा होता है, और होता यह है कि वह जो गज है वह श्रीमान नारायण का स्मरण करता है तो श्रीमान नारायण इतने कृपालु हैं कि वह प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद वह गज को मुक्त करते हैं, और तब से लेकर आज तक गज ग्रह की किस्सा चलती आ रही है। गज ग्रह की किस्सा चंपारण की धरती पर बहुत प्रसिद्ध है। दूसरी बात, यहीं पे महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, यहीं पे महावीर स्वामी ने ये जन्मस्थली भी कहा जाता है। चंपारण के आसपास का क्षेत्र उस समय का होगा, मिलाकर कहा जा रहा है कि यहाँ पे गजग्रह का किस्सा, आप महावीर स्वामी की बात कर ले, जैन धर्म के संस्थापक जन्मस्थली, उसके बाद महावीर, उसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का निर्वाण स्थल, निर्वाण मतलब मोक्ष स्थल, मतलब बहुत सारे यहाँ पे इतिहास जुड़े हैं। यहाँ पे उराव जनजाति, थारू जनजाति, मुंडा जनजाति, उसके बाद भुइया जनजाति का यह संस्कृति रहा है और यहाँ इतिहास रहा है। यह एक पुराना इतिहास है जो अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है चंपारण की धरती। तो आइए अब चलते हैं चंपारण की धरती से सवाल की शुरुआत। आशा है कि आपने इस बात को समझा होगा ना। तो मैंने एक बार में ही आपको पूरा इस कहानी से अवगत करवा दिया कि एक कहानी क्या कह रहा है ना। इसी के अंदर पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं। और चलिए अब शुरुआत किया जाए क्वेश्चन का।